हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जे टेट पास अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आप जिसका वेट बहुत समय से कर रहे थे वो आज आ चुका है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो हम जे टेट पास कर अपनी नियुक्ति होने का इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड के प्राथमिक स्कूलों के लिए 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख कर पूरी जानकारी ले सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन आज का सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यह है कि 2019 में होने वाली शिक्षक नियुक्ति में एक और एग्ज़ाम लिया जाना है, लेकिन किसी को भी सिलेबस का कोई जानकारी नहीं था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि झारखंड प्रारंभिक स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2019 का एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कम्प्लीट सिलेबस क्या है और भी बहुत कुछ। तो अगर आप भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हैं और इस नियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत सारा टेंशन दूर होने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। झारखंड शिक्षक भर्ती 2019 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को मिनिमम एज 20 साल होना अनिवार्य है। 20 साल से कम आयु वाले जेटेड पास परीक्षार्थी भी इस नियुक्ति में आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, जो कि मिनिमम 20 साल का एज लिमिट सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए बराबर है। लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जिसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 40 ईयर्स से अधिक होना नहीं चाहिए। जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 42 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी मेल या फीमेल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 43 ईयर्स है और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 45 ईयर्स है। और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट सभी कैटेगरी से 5 वर्ष ज़्यादा एज लिमिट रखा गया है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले जेएससी द्वारा निकाला जाने वाला आवेदन को अप्लाई करना होगा। उसके बाद जेएससी के द्वारा लिया जाने वाला सेकेंड एग्जाम, जिसमें अभ्यर्थियों को जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में पास करना अनिवार्य है। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को की नियुक्ति नियमावली के अनुसार शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों व पारा शिक्षकों को संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया या बंगला विषय में पास करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी इसमें पास नहीं कर पाएंगे वे शिक्षक बनने योग्य नहीं होंगे। राज्य में प्रारंभिक स्कूलों में पहली से आठवीं तक करीब 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसके लिए पहली बार जेएससी के द्वारा लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है। अनिवार्य विषय के रूप में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के लिए 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसमें 30% लाना आवश्यक है, मतलब 50 में से 15 नंबर लाना अनिवार्य है। 30% लाने के बाद ही बाकी के 200 नंबर के होने वाले एग्जाम की कॉपी जांच की जाएगी। झारखंड प्राथमिक स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2019 के होने वाले सेकेंड एग्जाम का टोटल पूर्णांक 250 नंबर का होने वाला है। प्राइमरी टीचर 1 to 5 की सीधी नियुक्ति के लिए पहला सब्जेक्ट है जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा 50 अंकों का। दूसरा सब्जेक्ट होगा सामान्य ज्ञान का, जिसे 50 अंकों का एग्जाम देना होगा। तीसरा है अंग्रेजी, यह भी 50 अंक का है। और चौथा है सामाजिक विज्ञान 50 अंकों का। और पांचवा विज्ञान एवं गणित दोनों को मिलाकर 50 अंक। टोटल 250 अंकों की परीक्षा जेएससी के द्वारा ली जाएगी। अपर प्राइमरी टीचर 6 to 8 सीधी नियुक्ति, अनिवार्य विषय जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा 50 अंक। दूसरा है सामान्य ज्ञान 50 अंक। तीसरा वैकल्पिक विषय, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन या जेटेट पास किए हो, जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस या फिर लैंग्वेज से किसी भी सब्जेक्ट से 150 अंकों का एग्जाम लिया जाएगा। अपर प्राइमरी टीचर 6 to 8 सीमित, पहला सब्जेक्ट है अनिवार्य विषय जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा, जो टोटल 50 अंकों का है। दूसरा सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान, यह भी 50 अंकों का है। तीसरा है वैकल्पिक विषय, जैसे जेटेट पास सब्जेक्ट में 100 अंकों का परीक्षा देना होगा। मतलब सीमित नियुक्ति सिर्फ पारा शिक्षकों के लिए ही है, जो कि उनको सिर्फ 200 नंबर का एग्जाम देना होगा, लेकिन जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में पास करना अनिवार्य है।
और वैसे पारा शिक्षक जो 10 सालों से अधिक स्कूलों में पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं उन्हें 10 अंक का छूट प्रदान किया जाएगा, और जो पारा शिक्षक 10 साल से कम सेवा दे चुके हैं उन्हें 5 अंक का छूट दिया जाएगा। प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक नियुक्ति के लिए आप जिस सब्जेक्ट से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास किए हैं आपको उसी सब्जेक्ट में आवेदन करना होगा। किसी दूसरे सब्जेक्ट में आवेदन करने के बाद आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी और इसका जिम्मेदार आयोग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो या वीडियो आपको कैसा लगा यह बताने के लिए कमेंट अवश्य करें। और अगर आपने इंडिया जॉब अलर्ट चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।